लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन का परफॉर्मेंस तो काफी खराब रहा है बॉक्स ऑफिस के ऊपर, लेकिन इसी वीकेंड एक साउथ इंडियन तेलुगु मूवी रिलीज हुई थी और उसके हिंदी डब वाले शोज भी हाउसफुल जा रहे हैं। मैं खुद 15 अगस्त को शाम के 5 बजे इसका शो देखने गया और थिएटर ऑलमोस्ट फुल। अब देखो, ये जो कार्तिके पार्ट 2 मूवी की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो रॉ नंबर्स में तो लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन को बॉक्स ऑफिस पे नहीं हरा रही है, लेकिन जब तुम ध्यान में लोगे कि कितने ज्यादा कम शोज इसको अवेलेबल कराए गए थे, कार्तिके 2 का परफॉर्मेंस इज इम्प्रेसिव। देखो, इस कार्तिके 2 मूवी के हिंदी वर्जन का कलेक्शन था 7 लाख रुपए, संडे को ये बढ़ के हुआ 28 लाख और मंडे यानी कि 15 अगस्त को 1.1 करोड़। ये नंबर सुन के तुमको लगेगा कि यार ये इतना ज्यादा भी नहीं है, तो तुम ध्यान में लो कि इस कार्तिके 2 मूवी के हिंदी डब को पहले दिन सिर्फ 50 शोज मिले थे, 50, वहीं पे बाकी मूवीज को 3,000। और ऊपर से क्योंकि मेरे को नंबर्स बहुत ज्यादा पसंद है, तो तुम इसका अगर 3 दिन का जंप देखने जाओगे 7 लाख से सीधा 1.1 करोड़, तो परसेंटेज में वो इतना ज्यादा होता कि काफी कम मूवीज होंगी पूरी हिस्ट्री में जिन्होंने ये अचीव किया होगा। अब हाँ, क्योंकि पहले दिन का इसका कलेक्शन बहुत ही ज्यादा कम था, इसलिए परसेंटेज इंक्रीज में ये 1500 के आसपास कुछ तो आ रहा है। ऊपर से इसी इंडिपेंडेंस डे के दिन 2 बड़ी हिंदी मूवीज जो हैं वो ड्रॉप कर गई हैं। कार्तिके 2 बढ़ते ही जा रहा है। ये सुन के अब तुम इंप्रेस तो बहुत ज्यादा हो गए होगे, लेकिन एक्चुअल में ये मूवी कैसी है? ठीक है, मतलब मुझे ठीक लगी। कार्तिके 2 एक मिस्ट्री एडवेंचर है जिसके अंदर अपने मेन कैरेक्टर्स पहले कोई एक चीज ढूंढते हैं, फिर उसमें उनको क्लू मिलता है, वो अगली चीज ढूंढते हैं, फिर उसमें तीसरे का क्लू मिलता है, और ऐसे जाके मूवी के एंड में जो फाइनल चीज है वो स्पॉइलर नहीं देगा। लेकिन इसी के साथ साथ इस मूवी ने जो हिंदू स्क्रिप्चर्स, बिलीफ, माइथोलॉजी जो भी तुम कंसिडर करते हो, इनको ये एडवेंचर का बेस बना दिया है, जिसके कारण हिंदू रिलीजन और उसकी बिलीफ स्टोरी का जो है मेन सेंट्रल पॉइंट बन जाते हैं। अब ये सुन के या फिर मूवी के अंदर देख के आप में से कुछ लोग मुंह बनाओगे कि, लेकिन देखो जहां तक बात जाती है एक मूवी की, तो उसके अंदर जो अपने को दुनिया दिखाई है उसको तुमको बेस पकड़ना पड़ेगा स्टोरी के अंदर घुसने के लिए, जस्ट लाइक तुम किसी दूसरे मूवी के लिए करोगे जो कि किसी माइथोलॉजी या फिर किसी रिलीजन, किसी दूसरे बिलीफ के ऊपर बेस्ड है। जहां तक बात जाती है ये एडवेंचर वाले मूवीज के टाइप को, तो और जितने बार भी ये कार्तिके 2 मूवी के अंदर अपने को ये एडवेंचर वाली चीजें दिखाई है ना, वहां पे ये मूवी सबसे ज्यादा शाइन करती है, तुम्हारा जो अटेंशन है वो पकड़ के रखेगी स्पेसिफिकली सेकंड हाफ में। लेकिन फिर इसी के साथ मूवी के अंदर कुछ इश्यूज भी थे जो कि मुझे फील हुए और इसीलिए ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई। सबसे पहले तो इसका हिंदी डब ले लो जो कि ओवरऑल ठीक ही था, लेकिन काश इसके गाने ठीक होते। ओरिजिनल लैंग्वेज के गानों को हिंदी में ट्रांसलेट करके डाल दिया, जिसमें बहुत अच्छा काम नहीं करते ये लोग। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैंने इसको ओरिजिनल लैंग्वेज में देखा होता सबटाइटल के साथ, तो शायद थोड़ा ज्यादा एंजॉय किया होता। एडवेंचर देखने में मजा तो आता है, लेकिन उसी के साथ साथ स्टोरी के अंदर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि बहुत ज्यादा क्लीशेड फील होती हैं। और जब तुम एक मूवी इतने बड़े थिएटर में देखने जाते हो, तो फिर जो VFX वाली चीजें हैं वो नोटिस हो जाती हैं। टॉप नॉच तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये जो VFX वाला पॉइंट है ना, इसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी तक अगर तुम इस मूवी का कलेक्शन देख के हंस रहे थे ना, तो फिर पिक्चर का ओवरऑल बजट है 15 करोड़। इतने में पूरी पिक्चर बनाई है जितने में एक्टर्स अपनी फीस चार्ज कर लेते हैं। आई नो कि ये मेन क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए मूवी की क्वालिटी को जज करने के लिए, लेकिन जब तुम ये 15 करोड़ बजट वाली बात दिमाग में रख के पिक्चर को देखने जाओगे, अच्छी लगे ना लगे लेकिन इम्प्रेसिव जरूर फील होगी कि आजकल जहां 100, 150, 200, 300 करोड़ मजाक बन चुका है, वहां 15 करोड़ में। तब मेन क्वेश्चन रह जाता है कि क्या तुमको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। देखो, अब ये बोलना कितना सही होगा मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि उसके हिसाब से ये मूवी तुमको कितनी पसंद आएगी। लेकिन अगर ये सारी चीजों से तुम्हारा लेना देना नहीं है, तुम एक मूवी को सिर्फ मूवी की तरह देखने जा रहे हो, तो मतलब एक अच्छा खासा ठीक ठाक टाइम तुम्हारा निकल सकता है। फैमिली के साथ जाने का अगर प्लान करो तो भी जा सकते हो, क्योंकि सेफ है पिक्चर। क्या बोल रहा हूँ मैं? तुमको अगर लग रहा है कि मैं बॉलीवुड हेटर है, तो नहीं, अपने को जो चीज इंप्रेसिव लगती है अपन उसके बारे में बोलता है। असली मजा तो तब आएगा जब ये मूवी लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन का कलेक्शन क्रॉस करेगी। चांसेस कम है, लेकिन अगर कर दिया तो ओ माय गॉड, ब्रेन एक्सप्लोड करने वाली जो फीलिंग है ना, वो कितने लोगों को फील होगी। इस मूवी को देखने जाने का जो पूरा व्लॉग है ना, वो व्लॉगिंग चैनल पे आएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सामने तुम्हारे पॉप भी हो रहा होगा शायद। तुमको पिक्चर कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।